अरे बड़े बाप का बेटा हुआ तो क्या हुआ, जूता 1000 रुपए का भी हो ना और अगर उसमें कीला चुभता हो तो फूटी कौड़ी का नहीं रहता है। ये साले मुस्लिम लोग भी उसी कीले की तरह होते हैं जो 24 घंटे पुलिस के पैरों में चुभते रहते हैं। कोई सेटलमेंट करने वाला नहीं हूं मैं। साला चलती हुई जीप से कूद कर भाग गया, अगर उस ऑफिसर के पास गन होती तो साले को इनकाउंटर में उठा देता। कह देना कि उसका बाप बोल रहा हूँ बाप, 24 घंटे के अंदर अंदर थाने में हाजिरी दे। वो होम मिनिस्टर के बेटे का दोस्त है। अरे वो होम मिनिस्टर के बेटे का दोस्त हुआ तो क्या हुआ, अपना रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। ना रिश्वत लेता हूँ ना रिश्वत देता हूँ, ना किसी से पूछकर पैदा हुआ था ना किसी से पूछकर मरूंगा। जो मुजरिम सामने आएगा साले को उड़ा डालूंगा मैं, समझ गया? जब तक जान है तो शेर खान है। नाम जय किशन सर। ट्रेनिंग नासिक पुलिस एकेडमी सर। कैसी लगी ट्रेनिंग? ऐसा लगा जैसे बदन में पिघला हुआ लोहा डाला जा रहा हो। बड़े बाप के बेटे हो, पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? खतरों से खेलने का शौक है सर। वर्दी धुली हुई, जबान सिली हुई, आंखें खुली हुई, ये 3 बातें अच्छी तरह से याद रखना और 1 तारीख को सुबह ठीक 9 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। यस सर। गुड। हाय। मैं इंस्पेक्टर सावंत। जय किशन। कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो? 1 तारीख से। आओ चलो कैंटीन में कटिंग मारते हैं। आओ बैठो। हाय हाय हाय। जय किशन। हेलो अनिल झटपटे। अरे तो चाय ला रहे? अभी लाया सर। तुम नए हो ना, जरा संभल के रहना, यहाँ का सेक्शन बहुत गर्म है। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आजकल शहर के हर गली के नाके पर एक शाना मर जाता है तो दूसरा शाना पैदा हो जाता है, जैसे कि गटर के आसपास मच्छर पैदा होते हैं। यहाँ का भाई एमएलए सदा करे फिर से इलेक्शन में खड़ा है, उसको पांडे ब्रदर्स, बड़ा भाई करू पांडे, छोटा भाई चालू पांडे का सपोर्ट है। दोनों के 20 बीर पार चलते हैं, कहीं 5 रंडी खाने भी चलते हैं। यूपी से आता गमछा डाल के, अब मुंह में सोने का चमचा डाल के घूमता है। ऊपर वाले को बहुत माल खिला यार, केस नहीं बनती, फिर पेपर वाले चिल्लाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, पैसा खाती है। अपने को समझ में आता ये इंस्पेक्टर बन के मिला क्या हमको? महीने के पगार से 800 रुपए दूध वाला भैया लेके जाता है, बाकी के पैसों में घर वाली कैसे घर चलाती है कोई नहीं जानता। वो तो ठीक है यार, इस लाइन में लफड़े कितने, आजकल लोग गोली पहले मारते बाद में करते, एक ही झटके में आदमी टपक जाता है। अब परसों की ही बात है, बदमाश मोहल्ले के फायरिंग में अपना इरादा टपक गया ना, यहीं से चाय पी के गया था भाई। अपनी एयरपोर्ट की ड्यूटी बेस्ट है, घर पे VCR है, रोज नवी पिक्चर देखते हैं, बीवी बच्चों को थिएटर में ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं तो हर फ्राइडे को नई पिक्चर दिखाने उनको ले जाओ थिएटर में और टिकट नहीं मिले तो ब्लैक मार्केट वाले के साथ तोड़ पानी करो, मारामारी करो। ट्रांसफर हो जाएगी। छोड़ रहे, बहुत देखे ट्रांसफर कराने वाले, बीवी के गहने बेच के ये नौकरी पक्की कराई है, बहुत माल खिलाया है, और जब तक ये पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता ना, तब तक अपन ये नौकरी छोड़ने वाले नहीं है। तू तो नोट छापते रहना, लेकिन कभी अपना भी ख्याल करना, कभी तेरे वॉशिंग मशीन अटक जाएगा ना तो अपने घर पे भेज देना, तेरी भाभी खुश हो जाएगी। हरामी है। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके, नाइस मीटिंग यू। बड़े बाप का बेटा है, टाइम पास करने के लिए पुलिस में भर्ती हो गया, भाई लोगों के चक्कर में आएगा ना तो फिर से बाप को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन सीधा लगता है बेचारा। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, डंडा हाथ में आया तो खुद ब खुद टेढ़ा हो जाएगा। अपन लोग आए तो मवाली दे गया। हाय। हाय। कैसा लग रहा हूं मैं? ग्रेट। अरे आप लोग रुक क्यों गए? 31 दिसंबर के सारे ऑर्डर्स कल तक पूरे करने हैं, चलो अपना काम करो। वाह ग्रेट, क्या लग रहा है यार? ए चुटकी, पुलिस वाला हूँ, इज्जत से बात कर। माँ डैडी कहाँ है? कॉन्फ्रेंस रूम में चुटकी के डैडी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस है ना, और आज तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट देसाई पे आया हुआ है। नहीं नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैंने 100 बार कह दिया आपसे। देसाई साहब जो जैसा करे वैसा भरे, अपना तो नाम है एमएलए सदा खरे। अपने को खरा खरा बोलने की बड़ी कुत्ती आदत है, इसलिए बोलता हूं। हमारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने का मतलब है किसी सिंह मारने वाले बैल के सामने खड़ा होना। आ बैल मुझे मार। मैं ये इलेक्शन छोड़ नहीं सकता। आई एम ए क्लीन जर्नलिस्ट, यू नो, सारी जनता मेरे साथ है, झोपड़पट्टी का एक एक बच्चा मुझे जानता है,
और मैं नोट देकर वोट नहीं लेता। खुद गरीब जनता मुझे वोट देती है। वोट आजकल जनता वोट देती कहाँ है देसाई साहब? पार्टी वाले जनता के नाम के रेशन कार्ड लेकर उनके नाम के वोट अपने आदमियों से डलवाते हैं। इधर की टोपी उधर घुमाएं कि वोट अंदर। देसाई साहब, दूध हमारे लिए छोड़ दो। तुम्हारे हिस्से की मलाई तुम तक पहुंचा दी जाएगी। तुम भी खाओ और हमें भी पीने दो। हाय डैड। अरे आओ बेटे आओ। अरे वाह, इंस्पेक्टर की ड्रेस में तुम बहुत जच रहे हो। देखा देसाई साहब, हमारा होने वाला दामाद अब पुलिस ऑफिसर बन गया है। कुर्सी की ताकत और कानून का डंडा अगर एक हो जाए ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सॉरी अंकल, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ बेटे, बुड्ढों की खिचड़ी है, इतनी आसानी से पेट में उतरने वाली नहीं है। आंटी, मेरे डैडी कहते हैं कि नए साल में हम दोनों की शादी कर देंगे। हमारा बेटा हमारा कहना ही कब मानता है? बाप ने कहा था बिजनेस ज्वाइन करने को, वो जाके पुलिस में भर्ती हो गया। अगर वो हाँ कह दे तो शादी कभी भी हो सकती है। देसाई साहब, मैं तो 15 साल से एमएलए की कुर्सी पर हूँ, मेरे पेट पर लात मारने तो आप आए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खरे साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट। जिस दिन मैं ये इलेक्शन जीतूंगा उस दिन तुम सब लोगों की पोल खोल दूंगा। और आज ये भी सुन लो, मैं जानता हूं इस शहर में तुम लोगों के कितने काले धंधे हैं, कितने बियर बार्स हैं, कितने रंडी खाने हैं, कितने जुए खाने हैं, कितने लोगों की जमीन खाली करवाकर तुमने बिल्डिंगें बनवाई हैं, कितने नौजवानों को गलत रास्तों पर डाला, ये सब मैं जानता हूं। और ये भी जानता हूं नेता बनकर कितना माल अंदर किया है तुमने। इसलिए मैं ये इलेक्शन जरूर जीतूंगा और तुम सब लोगों की पोल खोल दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। अंडरस्टैंड? चलो निशा बेटे। जय, तुम न्यू ईयर के दिन घर पर जरूर आना। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। डैड, इन पॉलिटिशियंस की मीटिंग आप यहां क्यों रखवाते हैं? बेटे, खरे साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे बिजनेस में जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए हमेशा उन्होंने ही निपटाया है। अभी हाल ही में हमारे घर में जो इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली थी, अगर उस वक्त खरे साहब हमारी मदद नहीं करते तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। और अब जब उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन डैड, ये करू पांडे जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखना ठीक बात नहीं है। बेटे, पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी होता है। तुम पुलिस वाले हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये सब अच्छे लोग हैं। डैड, मैं अभी तो पुलिस वाला बना नहीं, 1 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, उसके बाद ही पता चलेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड, आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो। हाय टीना। हाय। बाहर जाने की तैयारी हो रही है? हाँ यार। जय किशन, सचमुच कमाल है टीना। वो एक अमीर बाप का इकलौता बेटा है, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, फिर भी वो पुलिस में भर्ती हो गया यार। और उसकी पर्सनालिटी, वाओ। अरे यार, उसे मैं जानती हूँ। अच्छा? उसे पटाने की मैंने भी कोशिश की थी या? लेकिन कमबख्त ने घास ही नहीं डाली। सुन, कहीं तू उस पे मरने तो नहीं लग गई है? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं तो उसी के फैक्ट्री में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ। अरे यार, जब दिल से दिल टकराता है तो बादशाह भी अपनी राजगद्दी छोड़कर सड़क की लड़की को अपना लेता है। हाय हाय, बस बस। अच्छा सुन, कल 31 दिसंबर है, होटल फन में एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी होने वाली है, वहां तू मेरे साथ चलेगी? जय भी आएगा वहां? ना बाबा, मैं और इतने बड़े होटल में, मेरे पास तो पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है। तू घबराती क्यों है? तू गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है ना? हाँ। वहां से एक अच्छी सी ड्रेस उठा लेना और पार्टी के बाद वापस रख देना। मैडम, आप मुझे चोरी सिखा रही है? ये चोरी नहीं है यार, जैसे तू ड्रेस निकालेगी वैसे जाके वापस रख देना। अच्छा, अब आप पूरी रात बैठ के सोचिए और मैं चलती हूँ अपने काम पर, क्योंकि आपका तो दिन में काम है और मुझे जाना है बियर बार। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
गर्ल्स, तुम लोग अभी तक गई नहीं, यहीं हो। चलो, तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो निकलो यहाँ से। कमॉन कमॉन, गुड नाइट मैडम। ओके, बाय मैडम। बाय मैडम, हैप्पी न्यू ईयर मैडम। चल चल जल्दी चल। हाँ चलो। अरे नैना, तुम्हारा काम नहीं हुआ अभी? तुम गई नहीं? मैडम बस थोड़े बटन टाकने बाकी है। ठीक है, तुम अपना काम पूरा करके ही जाना। देखो मैं जरा जल्दी में हूँ, तुम ऐसा करना कि वर्कशॉप बंद करके चाबी वॉचमैन को दे जाना। ओके, आई एम इन अ हरी, सी यू, बाय। Since the time I met you, I'm gonna get you by hook or crook. Just give me a chance, just give me a look. Give me a chance, baby. Give me a chance, honey. Give me a chance. Low rap, it's a low rap. A for Rapper, B for Bombay, C for Charlie, D for David, E for Edward, F for Father, G for George, H for Harry, R for India, J for Jack, K for King, L for London, M for Mother, N for No One, O for Orange, P for Peter, Q for Queen, R for Roger, S for Sugar, T for Tom, U for Uncle, V for Victor, W William, X for X-ray, Y for Yellow, Z for Zebra. Love rap. Hey, love rap. It's a love rap. Love rap. Hey. Love rap. It's a love rap.
जब से मैंने देखा तुझे चैन नहीं, बेचैन हो जाए ना जा कहीं, जैसे तेरे लिए दिल मेरा जिद पे अड़ा जाना, इसीलिए मैं तेरे पीछे पड़ा। तू भी जवा मैं भी जवा, दिल है जवा तेरा, दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, दद दिल से दिल जो मिल जाए तो हो पूरे अरमां। Love rap, it's a love rap. हीर रांझा रोमियो जूलियट पर हम जैसा कोई न होगा अब तक, वही दे दे तू करार इकरार कर ले, जाना तू बुरा ना समझ मुझसे प्यार कर ले, देखो ना तूने मुझे जाना नहीं मैंने तुझे जाना नहीं, मौका तो है अब नया साल जो है अब, हैप्पी न्यू ईयर विश यू हैप्पी न्यू ईयर, प्यार मैं करूंगा हर खुशी तुझे दूंगा, साथ हो सदाए दुआएं मैं करूंगा, जाने जाना अब तो तू हां कर दे, वरना मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, हाँ कह दे तू हाँ कह दे, मेरी जा मरने से पहले तू हाँ कर दे, हाँ कह दे हाँ कह दे हाँ कह दे तू हाँ कह दे। नहीं चाहती तो बार बार हाथ क्यों पकड़ता है? अबे ओ शाणे, अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस मत करना, नाम है चालू पांडे। ए चालू, तेरे को उठा के बंद करने में टाइम नहीं लगेगा। आज साल का पहला दिन है, चल कल्टी हो जा, साल मत बिगाड़ अपना, देख लूंगा तुझे। अरे जा चल, हटो बाजू, ए हट चल बाजू। किसके साथ आई हो तुम? अकेली। अकेली? आओ मैं छोड़ देता हूं। आइए ना प्लीज। वेलकम। बहुत अच्छा घर है। घर में और कौन कौन है? सिर्फ एक रूम पार्टनर है जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यू ईयर पार्टी मना रही है। हम दोनों यहाँ पेइंग गेस्ट हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार दिल्ली में हैं। क्लासिकल डांस भी जानती हो? जी। क्या ये तुम्हारा पेशा है? नहीं, मैं आपके फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरी फैक्ट्री में? अरे मुझे पता ही नहीं। लेकिन इतनी अच्छी कला जानने के बाद तुम नौकरी क्यों करती हो? आप ही तो एक फैक्ट्री के मालिक होते हुए एक पुलिस वाला बनना चाहते हैं। ये तो मेरा शौक है और मेरी मजबूरी।
ये तुम्हारी रूममेट है ना? इसे तो मैं जानता हूँ। वो भी कह रही थी कि वो आपको जानती है और कह रही थी आप किसी लड़की को घास नहीं डालते। कहीं ना कहीं तो घास डालना ही पड़ेगा। आप बैठी ना प्लीज, मैं आपके लिए कुछ चाय कॉफी। नहीं थैंक यू, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अगली बार जब आऊंगा तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों साथ खाकर जाऊंगा। मैं चलूं? जी। मैं जाऊं क्या? हाँ। हैप्पी न्यू ईयर। Oh no! Oh my God! तुझे पता है? पूरे 5,000 की थी ये ड्रेस। चोरी करके ले गई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। और इस ड्रेस की तरह अपनी इज्जत के भी टुकड़े करके आई है। अब इस ड्रेस की कीमत कौन चुकाएगा? तेरा बाप? मैडम प्लीज, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दीजिए। लेकिन मेरे बाप का नाम बीच में मत लाइए। मरे हुए बाप को बीच में मत लाइए। क्यों? बाप के नाम से मिर्ची लग जाती है ना? अब तेरी सजा यही है कि तू हर एक लड़की के सामने ये कहेगी कि मैं चोर हूँ। इसी वक्त तू ये कहेगी कि मैं चोर हूँ। बोलती है या पुलिस को बुलवा के तुझे अंदर करवा दूँ? बोल। मैं चोर? मैं चोर हूँ? मैं चोर? वाह, आंसू तो ऐसे बाहरी है कि जैसे किसी सती सावित्री की अग्नि परीक्षा ली जा रही हो। आज के बाद मैं इस फैक्ट्री में तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। I want you to leave. इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। Get out. Out. क्या हुआ? वो ड्रेस? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। नहीं, तूने तो जो भी किया मेरी खातिर किया। मेरी किस्मत खराब थी, जो ड्रेस फटी और मैं पकड़ी गई। टीना, हाँ? अगर जय मुझसे मिलने आए तो उसे कह देना मैं अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली चली गई हूँ। क्या मुझे लेकर उससे मिलूंगी? पता तो उसे चल भी गया होगा लोगों की तरह। अगर उसने भी मुझे चोर समझ लिया तो जीतेगा भाई, जीतेगा आज हमारे देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो सिर्फ कुर्सी के लिए ही नहीं बल्कि जनता की सेवा में ही अपना सौभाग्य समझता है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। अपना जीवन आप सब लोगों की सेवा में बिताना चाहता हूँ। जय हिंद। देश को चलाने के लिए अच्छे नेताओं की जरूरत होती है, नामचीन गुंडे और बदमाशों की जरूरत नहीं। लेकिन इस इलेक्शन से मुझे ये मालूम होता है, ये एमएलए की कुर्सी के लिए मैं किसी नेता से नहीं बदमाशों से युद्ध कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सारी जनता मेरे साथ है और इस जनता की ताकत से मैं ये इलेक्शन जरूर जीतूंगा और नंगा कर दूंगा सदा खड़े, नंगा कर दूंगा तुझे। चलो हाँ?
माय गॉड। हाय। ओए, नैना है? नहीं, कल रात अचानक वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई, दिल्ली। वहां का कोई पता छोड़ के गई है? ठीक है, उसकी कोई चिट्ठी आएगी तो बोलना, मैं उसे पूछ रहा था। ओके। नैना, लगता है वो तुझसे सचमुच प्यार करने लग गया है, तभी तो वो तुझे पूछ रहा है। देखा क्या हंगामा हो रहा है, है? इलेक्शन सर पे आ गया है और हारने के ही चांसेस ज्यादा है। वो साला हसमुख देसाई मेरे खिलाफ अखबारों में जहर उगल रहा है, मुझे एक्सपोज कर रहा है। आधा नंगा तो हो चुका हूँ, अगर ये कुर्सी भी हाथ से चली गई ना तो साली जनता मुझे पूरा नंगा कर देगी, और अगर मैं नंगा हो गया तो तुम्हारे भी कपड़े उतरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा धमाका करो, धमाका, जिससे साली ना नंगा करने वाली जनता रहेगी ना साला वो देसाई। वो अपने पुराने कारागिर सब ठिकाने लग चुके हैं, नए कारागिरों से कांटेक्ट करो जो दिल में गम और हाथ में बम लेकर घूमते हैं। क्या जल्दी सिकंदर सुबाड़ी किधर है? सिकंदर कहाँ है? क्यों बेट कबोरे, सिकंदर कहाँ है? ए, सिकंदर कहाँ है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हसमुख देसाई को इलेक्शन से पहले उड़ाना है। 5 पेटी मिलेगी, 50% एडवांस, 50 काम होने के बाद। पुलिस का बहुत बंदोबस्त है, काम मुश्किल है सिकंदर भाई। रिश्तेदारी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी का भी भाई नहीं हूं। तुम मुझसे काम करवाने आए हो, अगर काम मेरे मतलब का होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। काम मुश्किल है या आसान, ये तो काम करने पर ही मालूम पड़ेगा। ये लोग भी तुम्हारे साथ होंगे। अगर इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सिकंदर, जब पन्ना मोड़ता है और किताब बंद करता है तो समझो काम हो गया। देसे साहब जी बोल रहा हूँ। देसे साहब, मैं मंगलवाड़ी से बोल रहा हूँ। यहाँ मंगलवाड़ी के नाके पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, काफी लोग मर चुके हैं। देसाई साहब, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हाँ हाँ, पहुंचते हैं। मंगलवाड़ी के पास बम ब्लास्ट हुआ है,
हमें वहां पहुंचना है उनकी मदद के लिए। चलो चलो मांगे बढ़। इन लाशों को इनके रिश्तेदारों के हवाले कैसे करें? सही बात बेचारे, किसी का सर है तो किसी का पांव तो किसी का हाथ, कोई इस काबिली नीरा के पहचान में आ सके? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट अ ट्रेजेडी। साहब, हसमुख देसाई की लाश का तो पता ही नहीं चला, सिर्फ उनकी चप्पल ही मिली है। तू नया है ना, इसलिए सब खाया पिया बाहर आ गया। हम तो ऐसे कई लाशें हजम कर चुके हैं। कभी सोचता हूं तो ऐसा लगता है ये पुलिस में आया ही क्यों। बाप का अच्छा भला कपड़े का धंधा छोड़कर ये पुलिस के वर्दी जो पहनी है ना, लगता है कफन के साथ ही उतर जाएगी वो। अरे हम सबको मालूम है, इन सब लफड़ों के पीछे ये साला एमएलए सदा खड़े हैं। आज से 5 साल पहले एक आदमी इलेक्शन में खड़ा था, एक गाड़ी आई, 4 आदमी उतरे, पुलिस भूनकर चले गए, राजे देसाई मर गया। लेकिन हमें सबूत चाहिए, सबूत। बिना सबूत के तो हम काटने वाले पागल कुत्ते को भी नहीं पकड़ सकते। अगर किसी ने हिम्मत की तो उसके हो गए ट्रांसफर, ट्रांसफर। और ये सारे प्रेस वाले हमसे पूछते हैं पकड़ा क्या, पकड़ा। दूसरी तरफ से जनता पूछती है पुलिस करती है क्या, क्या करती है। अरे पुलिस के हाथ में कोई जादू का डंडा है जो ऐसे घुमाया है? अरे मुद्री महाजिर, अच्छी बात तो यह कि अपने इंस्पेक्टर ना शेर खान, उसका जिगर है, इसीलिए सबके साथ भिड़ गया वो। अरे तू तो बड़े बाप, जान दे, चल छोड़ दे। नो फोटोग्राफ्स, नो प्रेस, नो फोटोग्राफ्स, नो प्रेस, गेट आउट ऑफ हियर। ओके, आई एम ओके। लिसन बॉयज, आप में से कोई किसी प्रेस वाले को कोई इंटरव्यू नहीं देगा। ये साले प्रेस वाले छापते और ये मुजरिम अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर जनता हमसे पूछते किस केस के बारे में क्या हुआ। Listen boys, जो जो शख्स हमारी ब्लैक लिस्ट में है उनके अड्डों पर छापा मारो, उन्हें गिरफ्तार करो, हो सकता है उनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले। ये साला बॉम्ब ब्लास्ट जनता की लाशें बिछाने के लिए नहीं किया गया है, पुलिस की धज्जियां उड़ाने के लिए किया गया है। एंड बॉयज, कीप दिस इन्वेस्टिगेशन टॉप सीक्रेट, आई एम क्लियर? हमको जो पैसा मिला है ना, वो एक ही रात में सोनिया महल की नाचने वाली पे खर्च हो जाएगा। अपुन को और माल चाहिए क्या? और माल? जितना बोला था उतना दे दिया। अरे कम मिला है। अरे वो 2 लाख तो सिकंदर लेके चला गया, एक माने का जो 30 मर गया। अरे ऐसा नहीं चलेगा, और चाहिए अपने को। चुप बे शाने, गोली डाल दूंगा तेरे भेजे में, समझा क्या? चल कालू बैठ जा। जाओ सब जाओ, अपन बाद में मिलेगा, बाद में हिसाब करेगा। चल बे, देख लेंगे, देख लेंगे, चल। शंकर आ गया तू, शाबाश,
बोल, कुछ माल लाया कि नहीं? बोल क्यों? बेवड़ा पीने को पैसे कम पड़ गए क्या? आवाज नहीं मांगता है, मालूम है तुझे? मालूम है जिनसे मैंने पैसा लिया है ना, वो लोग आज मुझे मारने आए थे, देख मारने आए थे। अरे वो शेर बाजार वालों को कोई नहीं मारने जाता है, जिन्होंने हजारों गरीब लोगों का पैसा डुबा दिया है शेयर बाजार में, उनको नहीं कोई मारने जाता है, कोई नहीं मारने जाता है। अरे मच्छीमार लोगों का बैंक भी उन्होंने डुबा दिया है, उनको नहीं कोई मारने जाता है। मेरे जैसे फटीचे को मारने आए थे सब लोग। शंकर मुझे पैसा चाहिए, बोल लाया। लाया हूं, लाया हूं। बहुत पैसा लाया हूं। किधर है? कभी सोचा तूने किधर है? बेटा कहां से पैसे लाता है? जिस दिन तुझे ये पता चलेगा ना कि पैसा किधर से लाता है, उस दिन तुझे यह एहसास होगा तेरे खून कितना गंदा और कितना जलील है। ले शाबाश। और सुन, जा इसका बेवड़ा पी जा और पीकर भूल जा रहा है कि तेरे घर में एक जवान बेटी है जिसकी शादी होनी है। बाबा तुम चार दिन से घर क्यों नहीं आया? दूध वाला, पेपर वाला बार बार बिल पूछता है। तुम अपना बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराता है? आंटी इलाज जारी है, आप जाके सो जाइए। बेटा। माँ। वो लोग कितने बेरहम होंगे माँ, जिन्होंने अपनी एक खुशी के लिए हजारों बेगुनाहों के घर बर्बाद कर दिए। मासूम बच्चे, निर्दोष माए, अनजाने लोग एक ही झटके में टूटे हुए खिलौने की तरह बिखर गए मां। आखिर उनका कसूर क्या था? तुझे पहले कहा था बेटा, तू ये पुलिस की नौकरी मत कर। आखिर किस बात की कमी है तुम्हें? जो हादसा उनके साथ हुआ, अगर वो तेरे साथ होता तो मेरा क्या होता? मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज इस धमाके ने मेरी आंखें खोल दी है मां। अस्पताल में तबाही और बर्बादी का तमाशा देखने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं इन दरिंदों को दुनिया के सामने लाऊंगा मां। बम ब्लास्ट तो क्या, अब अगर ज्वालामुखी का लावा भी मेरे रास्ते में आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता मां। नहीं जय। देसाई की मौत से सिर्फ एक ही आदमी का फायदा है और वो है एमएलए सदा खरे। वो तो ठीक है, लेकिन बगैर सबूत के हम उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते ना। मरे वो है ना करू पांडे, पिंकी बार वाला, सदा खरे की जेब में रुमाल की तरह पड़ा रहता है। उसके आदमियों को निचोड़ते हैं, उसके अड्डों पे रेड मारते। कल चल।
चल चल बहुत शान पत्ती करता है चूहे काटा चलाता तू चल डालो सारे को जीप में मर गया तो लोग इसकी पूजा कर रहे हैं और जब जिंदा था तो लोग इसे मारने को ढूंढ रहे थे क्या करें अपने देश का दस्तूर ही कुछ ऐसा है मरने के बाद ही शहीदों की पूजा होती है और जब भी हर बार 11:30 बजे बंद नहीं होता ना तो उसके मालिक को अंदर किया जाता है क्या पियोगे विस्की रम या स्कॉच या कुछ नगद ए सुन रात के 2-2 बजे तक तेरा बार चलता है 11:30 बजे बंद कर देना नहीं तो तेरा लाइसेंस कैंसिल करके तुझे अंदर कर दूंगा समझा रिश्वत देता है मेरे को हाय नैना की कोई खबर आई नहीं जब से गई कोई खबर ही नहीं आई एक गिलास पानी मिलेगा हाँ हाँ हा, मैं अभी लाती हूँ मैं खुद ले लेता हूँ इसमें टीना की कोई गलती नहीं है मैंने ही उसे झूठ बोलने के लिए कहा था नहीं नहीं सारा कसूर मेरा है मैंने इसे पार्टी में चलने और ड्रेस उठाने के लिए कहा था तुम लोग बातें करो मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूं मैं जानता हूं तुमने चोरी की है और इसका सबूत भी है मेरे पास दफा 420 के तहत तुमने एक पुलिस ऑफिसर का दिल चुराया है चुराया है कि नहीं आई लव यू हाँ करू पांडे बोल रहा हूँ करू पांडे तेरी बियर बार में नाच गाना कैसे चल रहा है सब लौंडिया ठीक से नाच रही है ना पहचाना पहचाना पहचान तेरा बापू मैं राजू शूटर हाँ बोल बाकी के पैसे कब देगा काहे का पैसा ज्यादा शाना बनता तू जितने का कॉन्ट्रैक्ट था उतना दे चुका हूँ मैं समझा क्या समझा समझा टकले को समझा अबे वो टकले अबे 24 घंटे के अंदर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तू और तेरे भाई को उड़ा देंगे हम लोग अरे तेरे सब अड्डे मालूम को कहाँ खाता है कहाँ पीता है कहाँ सोता है सब मालूम को हाँ तेरा वो कौन है एमएलए क्या नाम है उसका सदा खरे अरे उसी के सड़ेला फैक्ट्री में चुपके बैठा अपन अरे अपने को पैसा चाहिए जाके बोल अपने बाप से अपने को जगह छोड़ने का है फैक्ट्री छोड़ने का है हाँ साले 5 पेटी ऐसे मांग रहे हैं जैसे 5 पानी कम चाय बाप मर गया लालटेन में और बेटा पावर हाउस देखो प्रेस वालों जो जैसा करे वैसा भरे अपना तो नाम है एमएलए सदा खरे मैं जो भी कुछ करता हूँ ना लोगों की सेवा के लिए करता अच्छा बाद में बात कर जाएगा ओके हाँ आओ बॉम्ब ब्लास्ट बॉयज का फोन था क्या बोलते हैं 5 लाख रुपए मांगते हैं और धमकी भी दी है 24 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले तो हमारी पोल खोल देंगे बिल्कुल सही बात है उन्होंने जान की बाजी लगाकर इतना बड़ा कांड किया और उन्हें पैसे ना मिले ये बड़े अफसोस की बात है मैं आज ही पैसे रवाना करता हूँ लेकिन उनका कुछ आता पता भी तो है बिल्कुल है बन शक्ति मिल में छिपे हुए हैं थैंक यू जाओ ए आओ खड़े हो जाओ तुम लोग खा के सचमुच मुस्टंडे हो गए हो आज दिखाओ मेरी रोटी की ताकत मारो मुझे
नहीं साहब, नहीं। अरे सचमुच मारो, थोड़ा सा खून भी निकलना चाहिए। मारो मारो। सालो, एक मारने को बोला था, चार पांच मार दिया, सब मौके के ताक में थे क्या? जाओ जाओ। घबराने की कोई बात नहीं, ये दवाइयां ले लीजिए, कल फिर आऊंगा। लेकिन जरूर आना। ओके। आप तो जनता के महान हीरो हैं, ये हीरो से खलनायक किसने बना दिया? अरे खान साहब, आजकल शरीफों का जमाना नहीं रहा है, अच्छे अच्छे हीरो विलन बन गए हैं और साले घटिया विलन हीरो बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो थोबड़े का क्या हाल हुआ है, मेरे थोबड़े की सीमा को कश्मीर का बॉर्डर बना दिया है। क्यों डिंकी? लेकिन इस थोबड़े की सीमा को क्रॉस किसने किया? क्या मालूम, कुछ लड़के लोग आए थे, इतने से बोले 5 लाख रुपया चाहिए। कल शाम तक बन शक्ति मिल में 5 लाख रुपया नहीं पहुंचा दिया तो अपने देसाई साहब की तरह मुझे भी बम ब्लास्ट में उड़ा देंगे। बोले अरे बाप रे, बम ब्लास्ट! मैं दिवाली में पटाखे का नाम सुनकर भाग जाता हूँ, अब ये बम ब्लास्ट का नाम सुनकर तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया खान साहब। बाबा आप चिंता मत करो, खरे साहब आप आराम करो, आपके 5 लाख रुपए हम दे देंगे। थैंक यू। और वैसे भी आप जैसे महान नेता को बॉम्ब से कौन उड़ा सकता है? हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाना, वो भी बड़े लंबे चौड़े हथियार लेकर आए थे। साला कुर्सी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गए क्या? गए ना, बराबर गए ना। अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर बड़ा खतरनाक है, इसकी तो मैं छुट्टी करूंगा टाइम पे, अभी तो उसको भगा दिया, कहा एक गोली खत्म। अब क्या हो तेरे केस का, जो तूने और तेरे भाई ने अन्ना का गेम बजाया था? 2 पेटी देकर मांडवली की है। अपने इस भाई ने मांडवली करवा के दी है। डरते नहीं अपन लोग, अपन सर पे कफन बांध के चलते हैं। क्यों भाई? हाँ भाई, चेक कैसे अपन पर, हिट लिस्ट में है पुलिस की, वांटेड है। डरता नहीं अपन पुलिस से, माल लेता है माल, पैसा लेता है पैसा, गेम बजाता है, मंडली करता है क्या? अरे अपनी पांच बेटी आने वाली है ना, लेकर सुन से अलीबाग निकल जाते क्या? अबे ला, दम लगाएगा? लगाने दे, ले, ले, ना? ले, लगा लगा दम। लगा ले दम, मिटा दे गम। लेट्स गो बॉयज। ये खाली बोतल इधर क्यों है? टेक पोजीशंस। क्या हुआ? ये पुलिस अभी क्या कर रही है? वो साला करू पांडे ना, करू पांडे, उसने टिप दी होगी उसने। हाँ, अगर यहां से बच्चे निकल गए ना तो उस करू पांडे को नहीं छोड़ेंगे, हाजी नहीं मिलते। चलो से निकल लो। शेर खान बोल रहा हूं मैं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैं वादा करता हूं कि हम गोली नहीं चलाएंगे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो शेर खान। पाटिल एम्बुलेंस में देखो चल।
पुलिस का तो काम ही है सत्य। लेट्स गो बॉयज। इतने वार्निंग देने के बाद भी पुलिस में गोली चलाते हैं, कमाल है। शेर खान बोल रहा हूं मैं। उनके चार आदमी मारे गए एनकाउंटर में, अपना भी एक आदमी जख्मी हुआ है। दो रिवॉल्वर और दो AK-47 हमने उनके जब्त कर लिए हैं। दैट्स ऑल, ओवर। चल भाई आ जा। सिकंदर, राजू, छोटू और कल्लू पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। हरे रामा कृष्णा कृष्णा। अरे साहब, आपने आज का अखबार पढ़ा? वो शक्ति मिल के पुलिस फायरिंग में वो अपने बॉम्बलास वाले लड़के तीनों मारे गए। जो 5 लाख रुपया उन लड़कों के लिए लाया था, झोपड़पट्टी के गरीब जनता में बांट दो। वो क्यों? वो क्यों? अरे भैया, वो हमारी कुर्सी का सेफ डिपॉजिट है, सेफ डिपॉजिट। तुम्हारे लड़कों ने शांतिनगर की झोपड़पट्टी में आग लगवाई थी, इसलिए वहां की जनता बहुत दुखी है। अगर उन्हें हमारी तरफ से पैसे मिल जाते हैं तो समझ लो उस एरिया के सारे लोग हमारे खिसे में आ गए। करू पांडे, जनता चोट पहुंचाने वाले को जल्दी भूल जाती है, लेकिन मरहम लगाने वाले को कभी नहीं भूलती। ये देखो, ये तो वही बात हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। शाबाश। मिनिस्टरों के मिनिस्टर, बगैर मिनिस्ट्री के MLA सदा खरे। आइए, आज तक इस पॉलिटिक्स में कई रंगीन कई संगीन हस्तियां पेश हुई। हर किसी का अपना अलग रंग था, अपना अलग ढंग था। लेकिन आज जो तू यहां मौजूद है, तू तो हरफन मौला हस्ती है। हस्ती क्या, मानो पूरी एक बस्ती है। कब कौन सा तेरा रूप सामने आ जाए ये तू खुद भी नहीं जानता। जाहिर है कि तू ऑल इन वन है।
पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जिसका पुराना रूप था मुंह में राम और बगल में छुरी, और तेरा मॉडर्न रूप है मुंह में राम और बगल में छोरी। पॉलिटिक्स तेरी रग रग में समाया हुआ है क्योंकि तेरा जन्म ही आधी रात एक पार्टी में हुआ था। तेरी पार्टी में ना तो लेफ्टिस्ट है, ना राइटिस्ट है, ना कम्युनिस्ट है, ना कैपिटलिस्ट है। तेरी पार्टी में है सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट। पावर के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो सब तू करता है, नॉकआउट करता है, किसी को वॉकआउट करता है, सारे शहर में ब्लैकआउट कर सकता है। और ये सब तू क्यों करता है, क्यों करता है? जनता के लिए। इसीलिए तो किसी कवि ने कवि होकर भी सही कहा है, ना होती जनता तो नेता कैसे जनता, ना होती जनता तो नेता कैसे जनता, ना होती मुर्गी तो ऑमलेट कैसा बनता। ये बच्चे कौन है? खरे साहब, बॉम्बलास वाले केस में ये तीनों लोग पुलिस के सामने हाजिर हो जाएंगे। केस क्लोज, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे मैंने तुम्हें एक घोड़े के बारे में कहा था, तुम तीन गधे लेकर आ गए। अरे साहब, गधे ही मार खाने में ज्यादा उस्ताद होते हैं। उड़ो। 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 किसने लगाया था बम? बोले किसने? हाँ, बोल। बोल किसने लगाया था? बोल। बोल। बम किसने लगाया था? चिकित्सा भी मारा साहब, मारना है चिकित्सा मारा भाई जाना साहब। लेकिन कल सुबह हम कोर्ट में जाके साहब जज के सामने ही कहेगा, ये बम ब्लास्ट ने किया, ये बम ब्लास्ट ने किया। भाई तुम लोगों ने जितना पसीना बहाया उतना पता चला भी कि नहीं? ते लोग कुछ बोलते नहीं, कभी बोलते किया कभी बोलते नहीं किया। ये लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं क्योंकि ये लोग असली कारीगरों के नकली रूप हैं। इन लोगों के जो बाप लोग हैं ना, बाप लोग कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए ऐसे सड़क छाप लोगों को यहाँ पर पकड़वा देते हैं, और ये कुत्ते लोग बाहर जाके भाई बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं, क्योंकि जेल से छूट कर आया। इसलिए असल बात ये है कि जो काटने वाले कुत्ते थे ना वो पार्सल हो गए, और जो भोंकने वाले कुत्ते हैं उन्हें यहाँ पकड़वा दिया ताकि बॉम्ब ब्लास्ट केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए। और वो हरामी लोग बाहर जाके दूसरों को फोड़ने का प्रोग्राम बनाते रहे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा मैं। खान नाम है मेरा, खान। जब तक मेरी आंखें खुली है ना, मैं इस बॉम्ब ब्लास्ट केस की फाइल को बंद नहीं होने दूंगा। कहते ना अपने बाप लोगों को बाहर जाके, कहते ना उनको कि एसएस खान जिसका नाम है ना, वो इस केस को फोड़ कर रहेगा, फोड़ कर रहेगा इस केस को, फोड़ कर। देसाई बॉम्ब ब्लास्ट केस की लगता है? एक्सक्यूज मी सर, साहब क्या ये देसाई बॉम्ब ब्लास्ट केस के मुजरिम है? नहीं। तो फिर वो कौन है जो पुलिस कस्टडी में? पाकेट मार है, दारू पीकर गाड़ी ठोकने वाले हैं, कमांडीपुर के छोकरा लोग छोटा पाटली फेंक रहे थे, वो है। सर हम उन तीन मुजरिमों के बारे में पूछ रहे हैं जो पुलिस कस्टडी में हाजिर है। जो पुलिस कस्टडी में है वो मुजरिम नहीं है, जो मुजरिम है वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। सर ये कब तक चलता रहेगा? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। लेकिन सर, नैना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गांव के सारे गधे कुर्सियां पकड़कर बैठे हैं और अच्छे नेता दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। पता नहीं इस अन्याय का अंत कब होगा। जय अंत होगा और जरूर होगा। जब इस विशाल आकाश को बादल घेर लेते हैं तो हवाओं की झोंकियां उन्हें हटा देते हैं या फिर उन्हें बरसना पड़ता है। हमारा देश संतों का देश है। एक सुबह होगी
देश के किसी कोने से एक संत उठेगा, इन सारे अभिशापों को खत्म करके पूरी दुनिया में अपने देश का नाम करेगा। नैना, तुम्हारी इन बातों की गहराई ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, वो मेरा दोस्त है ना इंस्पेक्टर झटपटे, कल उसका बर्थडे है, बर्थडे की पार्टी है, दारू के पैसे बचाने को उसने दिन में पार्टी रखी है। पप्पी लहरी आने वाला अपने बैंड बाजे के साथ, चलोगी मेरे साथ? हाँ, बहुत मजा आएगा। देख अनिल झटपटे वो नहीं आने वाला है, सुन। अरे आएगा वो, चुप कर। नहीं, अरे वो बहुत बिजी, नहीं आएगा। तू किचकिच क्या करता है, मैं बोला ना आएगा, दो चार मिनट रुकने में क्या जाता है तेरा, एक तो दिन में पार्टी रखी। चुप करना यार, सब लोग सुन रहे हैं। देख तेरी इज्जत का फालूदा होने वाला, देख देख जाया। नहीं आया बप्पी झटपटे, हैप्पी बर्थडे। सेम टू यू, थैंक यू। क्या यार, एक तो दारू की जगह दूध पिलाता है और बप्पी लहरी को बुलाता है। अरे नहीं आएगा यार, तू भी यार आते के साथ चालू हो गया। बोलता हूँ ना आएगा, मैं उसके साथ सिक्योरिटी में था, तू तो जानता है वो कैसा आदमी है। आएगा यार, समझा रे। पप्पी लहरी आया, पप्पी लहरी आया। उल्टा पुल्टा खाएंगे खट्टा मीठा, ऐ जाने मन रीटा, मेरी बातों में नहीं कोई फटा, मेरे दिल की बाहर अपने मन में उतार, नखरा नकर जाके भंगड़ा कर, बले 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 हो जरा हॉली हॉली हो, इसे मैं भी सुनूं, ये भी सुने, वो भी सुने, सब सुने, तक दिना दिन, तक दिना दिन, ओ लाओ, बर्तन लाओ, आम लाओ, छोले लाओ, रबड़ी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, मारा मारी करूं मैं तो, छेड़ा छाड़ी करूं मैं तो, उधम मचाऊं मैं तो, शोर मचाऊं, कोला भात पीली मैंने 16-12 पीली, आज शाम है रंगीली, जरा सुन शर्मीली, मेरी बातें हैं नशीली क्यों, हो लाल पीली, तेरी आंखें नीली नीली, मेरे मन की पहेली, ओ संडे और तेरा है हैप्पी बर्थडे, रैप में गाऊं सबको सुनाऊं, इसको पकड़ूं उसको पकड़ूं सबको नचाऊं, यारों मेरे फाइट नहीं, पुलिस स्टेशन की ये साइट नहीं, दफा नहीं कोई आज लगे, सबको मेरी दुआ लगे, ओ लंबुटिंग चोर कई, मैंने अपनी लाइफ में खूब पकड़े, कभी यहाँ गया वहाँ गया इधर गया उधर गया, उफ 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 मैं थक सा गया, प्यार करो रोमांस करो यही जिंदगी है बार बार करो, नायक भी है नायिका भी, जरूरत क्या खलनायक की, ओ जा, जा, ओ जा, जा।
सागा पता नहीं दली दा पता पगा पगा सागा सागा पता नहीं दली दा पता पगा पगा पता नहीं दा पता पगा पगा सा दली सागा पप्पा गग सासनी नी दली सागा पप्पा गग सासनी नी दली सागा पप्पा गग सासनी नी दली सागा सा पिता का आज उन्होंने गीत सुनाया बल्ला क्या कमाल किया मेरी इज्जत को सेव किया ओ चा चा ओ चा चा दे चा 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 हे थैंक यू बप्पीला थैंक यू बाय 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 नैना चलना मैं तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिलाता हूं डैड ये नैना है नमस्ते हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूं इसे मेरी फैक्ट्री में काम करती थी बहुत तारीफ सुनी है इसकी डैड मैं नैना से शादी करना चाहता हूं साहब पुलिस स्टेशन से फोन आया एक्सक्यूज मी अभी आया चोर कहीं की फैक्ट्री से ड्रेस चुराया था ना और अब इस घर की बहू बनना चाहती है शर्म नहीं आती तुझे दो कौड़े की लड़की जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की इस घर की बहू बनने का सपना देख रही हो तुम एक बात कान खोलकर सुन लो तुम्हारी शादी जय के साथ हरगिज हरगिज नहीं हो सकती हमने उसकी शादी इस शहर के एमएलए सदा खरे की बेटी के साथ तय कर दी है और मैं उन्हें जबान दे चुका हूं नाउ यू गेट आउट और सुनो आइंदा यहां आने की कोशिश मत करना समझी आउट हाय आंटी अरे आओ बेटी आओ आओ ये क्या लाई हो बिना इलेक्शन जीत की खुशी में डैडी ने ये मिठाई भेजी है बहुत बहुत मुबारक बेटा थैंक यू वेरी मच माँ नैना कहाँ है जय डैडी ने कहा है मैं तुम्हारा मुंह जरूर मीठा करूँ माँ मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ जवाब दे नैना कहाँ है बेटा निशा हमारी होने वाली बहू है कभी कभार थोड़ा वक्त इसे भी दे दिया करो डैड मेरे पास फालतू वक्त नहीं है जय डैड आपने नैना को घर से तो जलील करके निकाल दिया लेकिन मेरी एक बात याद रखना मेरी शादी उसी से होगी ऐसी लड़कियां घर बसाती नहीं उजाड़ती हैं देखो जय तुमने पुलिस की नौकरी करके अपनी जिद तो पूरी कर ली मैं ये चाहता हूं कम से कम शादी तो हमारी मर्जी से करो वैसे बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी अरे रोक बिड़ू रोक हाय बेबी हेलो हाय गॉड हाउ आर यू कहां जा रही हो अकेले अकेले हैं रोना किस बात का उस दिन रात को तुमने इनकार कर दिया कोई बात नहीं आओ हमारे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते हैं घूमते हैं फिरते हैं कैंडल लाइट डिनर खाते हैं हाउ डू यू लाइक दैट ओके अरे हम भी चम्मक छल्लो अभी तो हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ किसी डिस्को में जाते हैं डांस करते हैं नैना और चालू पांडे क्या ख्याल है चलना बैठना इसमें घबराने की क्या बात है हम छोड़ दे इसको क्या ले हट अरे समझ में देख
लैला मजनू की गोली खाने आई है। अरे उसको मारने से तो हमारा नाम होगा, पूरा सिनेमा है सिनेमा। देखो जबरदस्ती का पंगे ले रहा है, चल 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 ले ले इसको। अरे भैया हमको छोड़ दो भैया, ये हमारे बीच में आया भैया, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया, हम इसको गोली मार देंगे। याद रख चालू पांडे, तूने पुलिस वाले पे रिवॉल्वर निकाला है, बंद कर दो ना, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तुम बीच में क्यों आ गई, गोली लग जाती तो अच्छा ही होता, मेरी जिंदगी तुम्हारे किसी काम की ना थी, मौत तो काम आती। तुम रो क्यों रही हो, डैडी की बात का बुरा लग गया, मैं समझा दूंगा डैडी को, बड़े हैं ना। पुलिस ऑफिसर पे रिवॉल्वर निकालता है, चल तुझे घर छोड़ता हूँ, फिर उसे देखता हूँ। तहार दिमाग फिर गल बका, बीच बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने तमंचा निकाले रहे, कहा सोच करके तोप हो जाइएगा, सनक के भूत हो गए हैं। बाप ने मारे मेंढकी या बेटा तीरंदाज, अरे हम अपना जिंदगी में 3600 लफड़ा किए हैं, लेकिन आज तक कौनो पुलिस स्टेशन के चार्जशीट पर हमारे नाम का जेरोक्स कापी तक नहीं आया है। अरे हाथी बन के लकड़ी तोड़ोगे तो सारी दुनिया देखेगी, लेकिन चीटी बन के गुड़ खाओगे ना तो कोई नहीं देखने वाला है, समझे भैया। मगर हम उस दो कोड़ी के इंस्पेक्टर को छोड़ेंगे नहीं, एक दिन उस ससुरों को गोली मार देंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम तो बात बात में तमंचा ऐसे निकालने का बात करते हो जैसे कोई फाउंटेन पेन निकालता है, अपना खोपड़िया ठंडा रखो समझे। अरे यूपी से जब हम बंबई आए तो अपना खून बेच बेच करके तुमको पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया, यही करने के लिए कि जहां तुम्हारा मन करे वहां लठ घुमाते चलो। ना मुन्ना ना, तू ऐसा मत करो। अरे तुमको अगर कुछ हो गया तो हम जिएंगे कैसे, अभी यहां सेक्शन बहुत गर्म है, तुम बंबई से बाहर निकल जाओ एकदम, जब तक यहां सब ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम यहां आओगे नहीं, समझे। न रहेगा बांस न बजेगी बसुरिया। अरे बनारसी चल भाई, गाड़ी तो रोक, पेपर लेते हैं। देख सामने पेपर वाला, रोक किधर है। अबे वो पेपर वाले, चल पेपर इधर ला। अरे हमारा नाम तो इसमें छपता ही रहता है, कहाँ छपा है भाई। चुपचाप बैठा रहे चालू पांडे, हिला तो जगह पे उड़ा दूंगा। चला। ये आपने चालू पांडे को कैसे गिरफ्तार किया? एक मिनट मैं बताता हूं। अब क्या हुआ, चालू पांडे का गाड़ी जो है ना वो सिग्नल पे आके रुका, और जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला न्यूज़पेपर लेने के लिए, मैंने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। मैंने मेरे को भूल गया क्या, हम दोनों तो दोनों, मेरा भी नाम लिखना, इंस्पेक्टर सावंत। सावंत, तो जैसे उसने हाथ बाहर निकाला तो मैंने यानी मैंने और सावंत ने मिलकर उसको बाहर खींच लिया। ए भाई, मारुति का दरवाजा मैंने खोला था, अपन का भी नाम एक साइड में डाल देना, कॉलेकर। और फिर उसका वही जो नॉर्मल तलाशी वाशी लेना था वो लिया, वो तो अच्छा हुआ उसके पास सामान नहीं निकला। सामान, ये सामान क्या होता है? सामान यानी वो, मैं बताता हूँ। बता। ये 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 सामान है, इसे भाई लोग घोड़ा बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, तमंचा बोलते हैं, बाजा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जब चलता है ना जान ले लेता है। अगर वो छूट गया तो? अरे छूटेगा कैसे, कल मैं उसको कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा, 14 दिन का रिमांड लेके टाड़ा में ऐसा अंदर करूंगा, देखता हूँ कौन छुड़ाने आता है। क्या कि टाड़ा की वजह से कि हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में फायदा होता है। ले वाह जय, तेरा न्यू ईयर प्रेजेंट आ गया, जा 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 जा। मैं आता हूँ। लक्की आदमी है। रिपोर्टर साहब एक बात है, ये जो हम लोग का न्यूज है ना वो जरा गर्मा गर्म लिखना, नमक मिर्ची लगा के। हाँ, और वो फ्रंट पेज पर आनी चाहिए, वो नाम आगे पीछे चलेंगे लेकिन वो न्यूज फ्रंट पेज पर चाहिए। छाप देंगे, छाप देंगे। और क्या है मालूम है, हम पुलिस लोग का नाम वैसे भी खराब है, हमको भी पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ, और घर में बीवी भी खुश हो जाएगी। ये क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वो करू पांडे का भाई है ना चालू पांडे, उसको हमने पकड़ लिया। अरे तुम्हें याद है ना मुझे रिवॉल्वर दिखाया था वही, पर तुम यहाँ कैसे? आज शाम को मेरे क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है, मैं अपने गुरुजी और उनके शिष्यों के सामने अपनी नृत्य कला पेश करने वाली हूँ, तुम आओगे ना?
जरूर आऊंगा। तुम खुश कितने अच्छे लगते हो। आई लव यू नैना। आई लव यू। आए गवा हमार भैया। अरे आवा बबुआ आवा चली आवा भैया। तहार बेल भ गइल जानलो। ई हुआ वकील बाबू। मगर भैया हम इंस्पेक्टर को छोड़ेंगे नहीं। अरे चला चला घरे चला चलो। इस ससुरन के तो हम बाद में देख ले। क्या हो रहा है? करू पांडे नाम चालू पांडे पकड़ना मुश्किल है समझे। चला सर, वो करू पांडे का भाई चालू पांडे पब्लिक में मुझ पे पिस्तौल निकाला था और एक ही झटके में छूट गया। प्रेसर पब्लिक ने हमको उसके अरेस्ट में बधाइयां दी थी। अब क्या बोलेगी कि पुलिस वाले माल खाकर गुंडों को छोड़ देते हैं। बड़े साहब तो एक फोन करके सब कुछ भूल जाते हैं। पब्लिक की गालियां हमको खानी पड़ती है सर हमको। अरे पब्लिक पुलिस को नहीं प्राइम मिनिस्टर तक को गालियां देती है। उनकी जुबान को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? ये चालू पांडे छूट गया ना, चालू पांडे छूट गया ना, उसकी तुम परवाह मत करो, मत करो परवाह। अरे हमने तो सिर्फ चवन्नी खोई है, चवन्नी। हमें पूरे रुपए पे हाथ डालना है और जिस दिन रुपया मेरे हाथ में आ गया ना, मैं किसी फोन वोन को सुनने वाला नहीं हूं, नहीं सुनने वाला किसी फोन वोन को। ऐसे गुंडे जो नेताओं के फोन से छूट जाते हैं ना, किसी सर पर ऑफिसर की गोली खाकर या इनकाउंटर में मारे जाते हैं। दिस इज द गेम माय बॉय एंड द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड।
क्या बात है जय, तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया? ये बात नहीं है नैना, परेशानी तो इस बात की है कि चालू पांडे, जिसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी, मैंने उसे पकड़कर बंद कर दिया। बड़े इंटरव्यू छपे थे प्रेस में, इमेज बना था पुलिस का, और उसके बाद ऊपर से एक फोन आया, छूट गया चालू पांडे, और हम सब देखते रह गए नैना, क्या इज्जत रह गई हमारी। नैना मुझे तो लगता है कि अब कानून पुलिस फोर्स के हाथ में नहीं, उन गुंडे लोगों के हाथ में चला गया है, और वो एमएलए सदा करे, मुझे तो लगता है कि ये सब जो हो रहा है उसी के इशारे पे हो रहा है, और ऐसा आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है। कहाँ है सदा करे? आओ जय, आज तो कुआ खुद प्यासे के पास चला आया, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, सिर्फ आपसे ये कहने आया हूँ कि आपकी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। जय, हीरो, बहुत घटिया बात है लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का भतीजा मेरा घर जमाई बनने के लिए तैयार है। मैं तो तुम्हारे भले की सोच रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। 2-4 साल में तुम डीएसपी बना दिए जाओगे, और ये नेता की कुर्सी जो आज मेरे पास है, शादी के बाद तुम्हारे घर का फर्नीचर बन जाएगी। एमएलए सदा खरे, जिस दिन तू और तेरी कुर्सी पुलिस के चार्जशीट पर चढ़ गई ना, उस दिन तेरा भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। मेरा भविष्य बनाने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर के फर्नीचर पे चादर चढ़ जाए। जो जैसा करे वैसा भरे, अपना तो नाम है एमएलए सदा खरे। डैडी, अरे घबरा मत बेटी, ये मुंह फट छोकरे को ठिकाने पे लाना सदा खरे बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारी शादी जैसे ही होगी, बिल्कुल जैसे। हसो हसो। चल चल बैक। अरे ओ छमिया, अगर तूने चालू पांडे का हाथ पहले ही पकड़ लिया होता ना, चालू पांडे का, तो तुझे इस तरह खींच खींच कर लाना नहीं पड़ता, समझी? चलो कोने में खड़ा रहो, काम का लड़की को तकलीफ देता है। क्या नाम है तुम्हारा? नैना। क्या? नैना। नैना बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम एमएलए सदा खरे है, मैं जनता का सेवक हूँ। सीधी सी बात है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो मेरा होने वाला दामाद है, इसलिए तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता छोड़ दो, वरना कुछ भी हो सकता है। ठहरो, साला ठीक से मरा या नहीं? हाँ मर गया, ले जाओ ले जाओ। और सुनो, गोनी में बंद करके समुंदर में फेंक देना, मछलियों का खाना है, ठीक से पहुंचना चाहिए, समझे क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। तुमने तो देखा, हम तो खून ऐसा बहाते हैं जैसे होली खेलते हैं। आप मुझसे चाहते क्या है? नफरत, जैसे नफरत, जय के दिल में तुम्हारे बारे में नफरत पैदा करो, इतनी नफरत पैदा करो, इतनी नफरत पैदा करो कि वो दोबारा तुम्हारी शक्ल ना देखे। प्यार करना जानती हो ना, वैसे कुर्बानी देना भी सीखो। चालू पांडे, खड़ी हो जा बेटी, खड़ी हो जा, इसको अपने भाई के बियर बार में ले जाओ, और इसकी ये जो कमर है ना, इसे इतनी हिलाओ कि दुनिया देखती रह जाए और बोले वाह क्या नाचती है।
तुझे देखा मुझे चैन नहीं है, मैं हूँ कहीं पर दिल मेरा कहीं है। जब से तुझे देखा मुझे चैन नहीं है, मैं हूँ कहीं पर दिल मेरा कहीं है। सूरत तेरी प्यारी प्यारी मुझको लुभाए, मुस्कुराहट तेरी दिल पे छुरी चलाए। देखा दाखी हुई तो प्यार हो गया, झांका झांकी हुई आंखें चार हो गई। देखा दाखी हुई तो प्यार हो गया, झांका झांकी हुई आंखें चार हो गई। तो आजा तो आजा तो आजा बहाने, हो जाए प्यार हो जाए। बियर बार में नाच गाना क्या हो रहा है ये सब? बता दे सब कुछ। जय, कार्बन फैक्ट्री में काम करना तो एक बहाना था। मैं तो बियर बार में काम करने वाली एक लड़की हूँ, सोचती थी किसी पैसे वाले लड़के को पकड़कर शादी कर लूं, इसलिए तुमसे प्यार का नाटक किया। फिर मैंने सोचा अगर किसी दिन तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल जाता तो तुम मेरा मंगलसूत्र उतार कर खिड़की के बाहर फेंक देते। जय, हम जैसे बियर बार में नाचने वाली लड़कियां कब किसके गले में बाहें डाल के चली जाए पता भी नहीं चलता। क्यों, चले चलो पांडे। समझा? नहीं समझा? समझ जाएगा। चल डालें। बाय। बरसात में तकते ना क्या? आप लोगों ने जो कहा वो मैंने किया। प्लीज जय को कुछ मत करना। तू अपना मुंह बंद कर, तेरे जय को कुछ नहीं होगा। तेरी जो सहेली है ना बियर बार में काम करती है, उसे समझा दिया है। चल पलटी हो जा। टाइम क्या हो रहा है? सिर्फ 2 बजे। परमिशन कितने बजे तक का है? 11:30। अगर 11:30 बजे के बाद तेरा पार खुला रहा ना तो हथकड़ी पहन के बाहर खड़े हो जाना, उठाकर ले जाऊंगा तेरे को, समझा? अरे इंस्पेक्टर साहब, गुस्सा किसी और पे क्यों उतार रहे हो? अरे ऐसी लौंडियां तो रोज किसी दूसरे का हाथ पकड़ कर आती है और जब जाती है तो किसी तीसरे का हाथ पकड़ कर। देखता क्या है बे? हाँ? याद रख करो पांडे, अगर 11:30 बजे बाद तेरा बार बंद नहीं हुआ ना फोड़ डालूंगा तेरे को मैं। आज पहली बार अपना खून देखा है उस बुड्ढे घुसट की बेटी की वजह से। आज तक हमारे हाथ से वो बचता रहा,
जाओ जाओ जाकर उस पुलिस वाले को इतना मारो कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता चले कि पांडे पांडे की धाक कैसी चलती है। जाओ तपिया चर्ची नाम है मेरा, अगर जुबान खोलें तो काट के रख दूंगा। चल गलती हो जा आओ। जो देखते हैं जर्सी यही कहीं रहता है। ठीक है चारों तरफ झाड़ी मारो, जिस बिल में भी घुसाए हाथ डाल के बाहर निकालो। उधर नहीं है, नहीं मैं उधर देखता हूं। वो जर्सी पर क्या कह रहे थे? लोगों नहीं मालूम, अब लोग पहचानता नहीं उसको कौन है। पड़ा क्या कुछ? ढूंढो ढूंढो क्या हुआ? पीछे जाओ ढूंढो ढूंढो। क्या हुआ मालूम पड़ा? उस्ताद सर बड़े बंदा चरस मार के सो रहा है। देख लिया देख लिया, साला पुलिस पे हाथ उठा के चल। पग्या जर्सी पकड़ा गया, पग्या जर्सी पकड़ा गया। चलो ये साला टपोरी, उस दिन करू पांडे के बियर बार में मुझ पे रोप जमा रहा था, मुझ पे। अच्छा हो गया मैं ड्यूटी पर रहता, साले को गोली छोड़ा था। पुलिस को भाजी पड़ा समझते हैं? तेरे को पुलिस पे हाथ उठाता है, पुलिस पे हाथ उठाता है। अरे आज तू पैसे नहीं बताएगा मैं बता बता, नहीं तो थर्ड डिग्री चालू कर दूंगा। फिर तू तो क्या, तेरा बाप भी कब्र से निकल के बोलने लगेगा। बता बोल साले, तेरा बाप को बोल बोल। अब पानी पिला दो। पानी पानी बनता है? इंस्पेक्टर पे हाथ उठाते हुए पानी पूछा था, बताता है कि नहीं? करू पांडे, करू पांडे वो बोला था पुलिस के हाथ पांव तो डालो, एरिया में पुलिस पर अपनी धाक चल जाएगी। करू पांडे करू पांडे यू आर अंडर अरेस्ट।
हेलो, हाँ चीफ मिनिस्टर साहब, मैं सदा खरे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। जब तक आपका हाथ हमारी पीठ पर है, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या काम है? अपना एक आदमी अंदर हो गया है, बहुत काम का आदमी है। इलेक्शन में अपनी पार्टी को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। सेक्शन गरम चल रहा है, इसलिए आपको फोन किया। खरे साहब, उधर आपका सेक्शन गरम चल रहा है, इधर ऊपर वालों ने हमारी कुर्सी गरम कर दी है। आप जिस आदमी को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, उसने पुलिस पे हाथ उठाया है, और ये आदमी बाकी कई केसेस में भी वांटेड है। ऐसे आदमी की आप सिफारिश करते हैं? ऐसे गुंडों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। दो दिन नहीं हुए अंदर होके तो तुम लोगों का चिल्लाना चालू हो गया है? तेरा भाई चालू पांडे फोन करने की सिल्वर जुबिली कर चुका है। अरे रथी रथी महारथी जेल में जाते हैं तो उनके लिए कलर टीवी, वीसीआर, दिल्ली दरबार का डिब्बा गोश सब आ जाता है। मैं भी तेरे लिए सब कुछ करने वाला था, लेकिन तू पर कटे पोपट की तरह जेल में फड़फड़ा क्यों रहा है? खरे साहब, हमने आपके लिए गेम बजाई, आप ऐश करें और हम अंदर सड़े, ये कहां की तुक है? मुर्गा करे मेहनत और अंडा खाए फकीर। ए अंडे सुन, जितनी बार तू जेल जाएगा ना, उतनी तेरी तेरे एरिया में धाक बढ़ेगी, धाक। जैसे पुलिस वालों को स्टार लगाकर प्रमोशन दिया जाता है, वैसे ही भाई लोगों के लिए जेल यात्रा प्रमोशन का स्टार होता है। अब तू बाहर आएगा ना तो बिल्कुल फाइव स्टार भाई बनेगा, फाइव स्टार भाई। फाइव स्टार क्या तेल लेने? एक भाई अगर अंदर गया तो दूसरे कई खड़े हो जाते हैं उसकी जगह लेने को, और अगर ऐसा हो गया ना तो तुम अपनी ही गली में कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं, मुझे 24 घंटे के अंदर यहां से बाहर निकालो, और अगर इसमें तुमने आनाकानी की तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि मालवनी से लेकर धारावी तक सारे काले धंधे तुम्हारे इशारे पर चलते हैं। चलती नहीं साइकिल तुमसे और चलाने चले हो सरकार। करू पांडे, तू अपनी कुत्ते की जुबान बाहर मत निकाल। ऊपर फोन किया है, ब्लैक लेबल पहुंच जाएगी, खा पी के सो जा। जो जैसा करे वैसा भरे, हमारा तो नाम है एमएलए सदा खरे। मिस्टर खान, देसाई बॉम्ब ब्लास्ट केस की पोजीशन काफी क्रिटिकल हो गई है। जर्नलिस्ट लोगों ने हड़ताल कर रखी है, पब्लिक का प्रेशर ऊपर वालों तक पहुंच गया है। मेरी समझ में नहीं आता इस केस के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। सर, इस केस के सिलसिले में सारी कार्रवाई टॉप सीक्रेट रखी जा रही है, यहाँ तक कि प्रेस वालों को भी इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है, ताकि वो मुजरिम जिनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं चौकन्ने ना हो जाएं। सर, इस केस की फाइल तब तक खुली रहेगी जब तक मैं इसकी तय तक ना पहुंच सकूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा सर, चाहे मुझे अपनी जान तक ना देनी पड़े। वाह भगत सिंह वाह, जो जैसा करे वैसा भरे, हमारा तो नाम है एमएलए सदा खरे। खान साहब, आपको जान देने की क्या जरूरत है, जबकि हम जैसे देशभगत आपकी सेवा में हाजिर है। मिस्टर खान, मिस्टर सदा खरे आपके एरिया के एमएलए हैं, आप इस केस के सिलसिले में इनकी मदद क्यों नहीं लेते? सर, वैसे सदा खरे साहब के साथ तो हमारी मुलाकातें होती ही रहती हैं। खरे साहब, बहुत जल्द हम आपकी सेवा में हाजिर होने वाले हैं। सर, मैं चलता हूं सर, जय हिंद। बैठिए। गोयल साहब, ये कमिश्नर खान कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, अब उसकी ट्रांसफर क्यों नहीं करवा देते? खरे साहब, जब तक ये बॉम्ब ब्लास्ट केस सॉल्व नहीं हो जाता, हम इस केस से जुड़े किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं करते। ये केस का टेंशन चलता रहेगा, लेकिन हमारा एक खास आदमी करू पांडे जेल में है, उसको बाहर निकालिए, बहुत काम का आदमी है, आपको इलेक्शन जिताने में उसने बहुत मदद की है। अगर उसने अंदर मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों की कुर्सी बगैर बम के ब्लास्ट। चाय पिलाइए मंत्री साहब, बाकी के काम तो मैं नीचे से ही निपटा लूंगा। मिस्टर खरे, अपने आदमी को छुड़ाने के लिए आप ऊपर तक पहुंच गए। अच्छा हुआ मामला यहीं पे पड़ गया, नहीं तो दिल्ली तक जाना पड़ता। दिल्ली, हर ऊंची उड़ने वाली चीज को एक दिन वापस जमीन पर लौट कर आना पड़ता है। भले ही आप कितने ही मिनिस्टरों को अपनी जेब में डालकर घूमते रहें,
लेकिन एक बात है खरे साहब, जिस दिन पुलिस के हाथ में ठोस सबूत आएगा ना, ये जो आपकी एमएलए वाली चेयर है ना, आपके लिए इलेक्ट्रिक चेयर बन जाएगी। हम भी यही चाहते हैं एसीपी शेर खान कि हमारी चेयर इतनी गर्म हो जाए कि आजू बाजू की सारी कचरा पट्टी जलकर राख हो जाए। पुलिस तो क्या खाती भी है और ऊपर से गाती भी है। अगर पुलिस वालों ने खाना बंद किया ना तो सारे गुंडे बदमाश एक दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे। शेर खान ना खुद हराम की रोटी तोड़ता है, ना हराम का माल खाने वाले कुत्तों को पालता है। जो आपका खाते हैं वही आपका गाते हैं। ले आओ साले को इधर, ले जाइए इसको आउट। मारिया, पुलिस ऑफिसर शेर खान बॉम्ब ब्लास्ट केस के पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है, और अगर इस केस की हद तक पहुंच गया तो हम सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए हम सारे लोगों के बचने के लिए शेर खान का मरना बहुत जरूरी है। शेर खान को उड़ा दो। सिकंदर, तूने पन्ना मोड़कर किताब नहीं बंद की, इसका मतलब तू ये काम नहीं करेगा? काय को नहीं करेगा भाई, अपने को आदमी मारने के बाद पैसा मिलता है, पैसा अपने को पैसा चाहिए, काय को नहीं काम करेगा? नहीं सिकंदर, तू ये काम छोड़ना नहीं। देख सिकंदर, अपने को पैसा की जरूरत है, पैसा चाहिए। सिकंदर, देख सिकंदर, तू जानी ये काम नहीं छोड़, अपने ये काम करेगा, अपने को पैसा चाहिए। हाँ सेठ, अपने को पैसा चाहिए, पैसा। शेर खान को ऐसा उड़ाएगा उसका जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा जमीन पे बिखरा होगा। अपने को पैसा चाहिए, पैसा। डन। अरे 24-24 घंटे की ड्यूटी हो गई है यार। गुड नाइट बॉयज, गुड नाइट। शंकर, आगे मत जा, आगे चारों तरफ पुलिस का सख्त पैर है। नहीं सिकंदर, नहीं, रोक मत मुझे, जिस दिन अपनी भरेगी अपन भी टपक जाएगा, लेकिन आज आज अपन शेर खान को उड़ाएगा, छोड़ेगा नहीं अपन उसको। चलो, कौन है तू? कौन? अरे ये तो शंकर है, 6 केसेस में वांटेड है, इसका बाप बेवड़ा है, शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। देख, तू मुझे मानने आया था ना, बॉम्ब तेरे हाथ में फट गया। 7 साल की उम्र से तेरी बहन लोगों के घर में बर्तन घिस घिस के गुजारा करके पड़ रही है। शंकर, तुझे तेरी बहन का वास्ता, पता कौन है वो लोग जिन्होंने तेरे को भेजा यहाँ पर, कौन है वो लोग पता? एक, मैं तेरी बहन की देखभाल करूंगा शंकर, मैं खान अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं तेरी बहन की देखभाल करूंगा। पता शंकर कौन है वो लोग, कौन है वो लोग बता, तुझे तेरी बहन का वास्ता, पता। Go and arrest Karu Pandey. Get away! मालूम है यार, तेरे रोज रोज के लफड़े कब तक निपटाता रहूंगा मैं? कभी तू 4 दिन अंदर रहता है, कभी 2 दिन अंदर, कभी 3 दिन अंदर। अरे आओ करो पांडे भाई, ठीक है, देख एक काम का, तेरे को मैं बाद में फोन करूंगा, समझा क्या?
पुलिस सारे एरिया में रेड डाल रही है, हर रास्ते पे नाकाबंदी है, कुत्ते की तरह मुझे सूंघती फिर रही है, मालूम है? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ करो पांडे भाई। इन गलियों में अगर आदमी रास्ता भूल जाए ना तो उसे 4 रोज लगते हैं घर पहुँचने के लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस एरिया का जो ऑफिसर है ना वो रोज रात को चौपाटी पे बैठ के अपने साथ में दारू पीता है, पापलेट मच्छी खा के जाता है क्या? तुम इधर आराम करो, बाकी का मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। चलो जब ओखली में सिर दे ही दिया तो फिर मूसल से क्या डरना है? क्या एमएलए सदा खड़े, खड़ा नहीं, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है और तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। करेंगे करेंगे चालू, इतनी क्या जल्दी है, ये फटाका नीचे कर। चुप शाणे, चालू पांडे के साथ चालूगिरी मत कर, हम दोनों भाई पुलिस से छुपते फिर रहे हैं और आप यहां बैठे नेतागिरी कर रहे हैं। बाहर में गया तू और तेरी नेतागिरी, हम दो भाइयों ने तेरे लिए क्या नहीं किया, लोगों से जमीन छीनी, जुए और बियर बार चलाए, सेठों के लिए 5-स्टार होटलों में लौंडियां भेजी, तेरे एक इशारे पर बड़े से बड़े नेता की छुट्टी कर दी। आज करू पांडे और चालू पांडे पुलिस के हिटलिस्ट में, किसी वक्त भी एनकाउंटर में मारे जा सकते हैं। लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। एमएलए एक बात याद रखना, अपनी खोपड़ियां में यह बात डाल देना, अगर 24 घंटे के अंदर हम भाइयों के लिए तूने कुछ नहीं किया तो तेरा यह भेजा, तेरा भेजा तेरी कुर्सी पर चिपका दूंगा, समझा? नहीं समझा तो समझ लेना। अरे चालू, जो काम 12 घंटे में हो जाए उसके लिए 24 घंटे खराब करने की क्या जरूरत है? जा कर उसे कह दे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस बार तो मैं चला जाता हूं एमएलए साहब, मगर एक बात याद रखना, पांडे ब्रदर्स एक बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है और कहीं भी फट सकता है। बेचारे पांडे ब्रदर्स, ये नहीं जानते कि बम उड़ाने वाला रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। भैया, उस टकले शंकर ने मरने से पहले शेर खान को तुम्हारा नाम बता दिया। मालूम बा, और पुलिस हमें सारे अड्डों पे ढूंढ रही है, और ये एमएलए खरे खटमल की तरह कुर्सी पे चिपक के बैठा है। भैया हम उसको धमकी दिया है, अगर ये केस जल्द खत्म नहीं होगा हम उसकी खोपड़िया उड़ा देंगे। तू अपन खोपड़िया तनिक ठंडा रखा जल्ला, आज जो हमारी हालत है वो सांप के मुंह में छुछुंदर की तरह है, ना उसको हम निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं, अब तो वक्त ही बताएगा कौन कितने पानी में है। चला करू पांडे बोल रहा हूं। बोल। खरे साहब, हमने आपको यह कुर्सी इसलिए नहीं दिलाई कि सारे सोने के अंडे तुम अपने हिस्से में रख लो और पुलिस के सारे डंडे हमारे हिस्से में छोड़ दो। देख, चीफ मिनिस्टर दौरे पे गया है, अब मुझे दिल्ली तक जाना पड़ेगा, लेकिन तेरे भाई को समझा जरा, साला मौत की धमकी देता है मुझे। सदा खरे साहब, उसने तो सिर्फ धमकी दी है ना, अगर हमारा काम जल्दी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खोपड़ी में गोलियों से सुरंग बना दूंगा, समझे? अपने मुंह के संडास को बंद कर और जुबान को दांतों के अंदर रख, कभी भी कट सकती है। अरे यार प्यारे करू, ये तो बता है कहां तू, मदद करना है तो कहां करू? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुनो, मंगलवाड़ी में गुल्लू भाई के अड्डे पे आराम फरमा रहा हूँ। गुल्लू गुल्लू भाई? अच्छा, दादा है, गुंडा है। आइए आइए एमएलए साहब आइए। उठ साले, क्यों मार रहे हो भाई? इसलिए कि जब कोई मुजरिम पुलिस के हत्थे लगता है तो उसकी हालत ऐसे ही फटे हुए टायर की तरह हो जाती है जो कभी किसी शानदार मारुति गाड़ी में लगा हुआ था। ले जाओ उसे। चल चल। पुलिस की मार
और कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता है। एमएलए साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे लोगों को तो गोलियों से उड़ा देना चाहिए। जिन लोगों ने देसाई साहब को बम ब्लास्ट में उड़ाया था वो करू पांडे और उसका भाई चालू पांडे इस वक्त गुल्लू के बिल में छुपे हुए हैं। उनके पास इतने हथियार हैं कि अगर 5 दिन तक गोलियां चलती रही तो हाथ थक जाएंगे लेकिन गोलियां खत्म नहीं होगी। और उनके गोदाम में बम ऐसे पड़े हुए हैं जैसे सब्जी मार्केट में कांदे बटाटे के ढेर लगते हैं। अच्छा कल तक आप ऊपर से फोन करवा कर उन पांडे ब्रदर्स को छुड़वाते रहे, आज उन्हें पकड़वाना क्यों चाहते हो? अगर आपको पता चले क्या आपके घर का गैस सिलेंडर फटने वाला है तो क्या आप उस गैस सिलेंडर को घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। जैसे ही मुझे पता चला कि पांडे ब्रदर्स ने बम से देसाई साहब को उड़ाया है तो मैं उन देशद्रोहियों का साथ कैसे दे सकता हूं? ये मेरा कर्तव्य है कि उन बदमाशों को पकड़ने में मैं आपका साथ दूं। आखिर समाज सेवक जो ठहरा हूं। पूरी तैयारी करके जाना, प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस है। खैर जैसा करे वैसा भरे, क्योंकि हमारा नाम है एमएलए सदा खरे। चलता हूं। हवा जब साथ देती है तो जमीन की धूल भी आसमान पर उड़ने लगते हैं। देख मेरे को तेरे शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तेरे को बोला ना मेरे ये 2 आदमी आ रहे हैं उनको 50,000 रुपया दे दे, नहीं तो कसम से। उस माड़ी पर। ठीक है ठीक है, तेरे को जितना बोलता उतना कर। फालतू बंकस मत कर, समझा क्या? करूबा उठो, पुलिस उठो, जल्दी चलो। क्या क्या कौन कौन है? करू पांडे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर हम यहाँ से बच के निकल गए मैं सदा खरे को नहीं छोड़ूंगा। मत भाग।
जइबो हे शेर खान। अपने आप को मेरे हवाले कर, चल कर मार। पुलिस पे गोली चलाएगा, मुझ पे गोली चलाएगा, ऐसे देशद्रोहियों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। चल, करुण पांडे को उड़ा दिया, अपना काम हो गया, चल। पुलिस की जी। ले ले। अरे एक मिनट, एक मिनट, वो तेरी न्यू ईयर गिफ्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ भाई? बता ना यार, गा यार, अरे गा यार। अच्छा कुछ गा, तू गाना गा, करेगा हां, बोला वो नागिन को बोला ना बीन बजा के, बोल ना यार, गा, चल 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 गा। इसकी जी। ले ले। अरे एक मिनट, वो तेरी न्यू ईयर गिफ्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ भाई? बता ना यार, गा यार, अरे गा यार। अच्छा कुछ गा, तू गाना गा, करेगा हां, बोला वो नागिन को बोला ना बीन बजा के, बोल ना यार, गा, चल 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 गा। कौन हो तुम? हाँ, सिकंदर, देसाई को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने वालों में से एक। अच्छा, तो तुम उन पांचों में से हो, यहाँ क्यों आए हो? शंकर मारा गया, अब शेर खान को मैं उड़ाऊंगा, लेकिन पैसे एडवांस में चाहिए, पूरे 3 पेटी। काम कर दो, पैसा मिल जाएगा। कल सवेरे अखबार में खबर पढ़ लेना, लेकिन पैसे एडवांस में चाहिए। इससे पहले तो काम होने के बाद पैसा मिलता था। पुरानी बातों को भूल जाओ सदा खरे, अब तक सिर्फ कुत्ते बिल्लियों का शिकार हुआ है, ये शेर का शिकार है। ओ, ठीक है ठीक है। अपना ख्याल रखना। अच्छा मैं चलता हूं। सुनिए, इस आश्रम के लिए आपने इतना सारा रुपया दिया, इस बच्चे की लिखाई पढ़ाई परवरिश के लिए आपने इतना सारा डोनेशन दिया, ये अनाथ आश्रम है, यहाँ पर तो वो लोग आते हैं जिनका कोई नहीं होता, आप इस बच्चे के कौन लगते हैं? भाई, सिकंदर हूं, अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट केस के पीछे जिस मुजरिम का दिमाग है वो बगैर सबूत आपके हाथ लग भी गया तो छूट जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन तू उन लोगों के खिलाफ क्यों हो गया? खान साहब, मैं हमेशा से इन मुजरिमों और गुंडों के खिलाफ हूं। ये लोग अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दंगा करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं, बम ब्लास्ट करा सकते हैं। खान साहब, ये लोग किताब खाने वाले उन कीड़ों की तरह है जिनकी नजर में गीता, कुरान, बाइबल की कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। इन लोगों ने मेरे हाथ में डिग्री के बजाय बम दे दिया था। खान साहब, मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। मेरी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मुझे ब्लड कैंसर है, लेकिन मरने से पहले मैं सोसाइटी के इस कैंसर को खत्म कर देना चाहता हूं। जो ना जाने कितने शंकर, कितने करु पांडे और कितने ही सिकंदरों को खा चुका है। आई डोंट वॉन्ट दिस कैंसर टू स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। खान साहब, मुझे आपको बहुत ही जल्द सबूत के साथ मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सर, यह सिकंदर सुपारी वांटेड क्रिमिनल है, उसे आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसे गिरफ्तार करके हमारा मकसद पूरा नहीं होता। सिकंदर सुपारी ने खुद मुझे फोन करके यहां पे बुलाया है, मैंने उसे टेप रिकॉर्डर दे दिया है। ये बॉम्ब ब्लास्ट के उस मुजरिम को सबूत के साथ गिरफ्तार करवाएगा, जिसे हम बगैर सबूत के गिरफ्तार ना कर सके। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सिकंदर सुपारी बहुत खतरनाक मुजरिम है, लेकिन कभी कभी पुलिस को भी चांस लेना पड़ता है। तुम इस पर कड़ी नजर रखना, मुझे सदा खैरे और सिकंदर सुपारे जिंदा चाहिए, और हमें उस फरार चालू पांडे को भी उठाना है। मैं इन्हें स्टेट विटनेस बनाऊंगा और उसके बाद ताड़ा में बंद कर दूंगा। मुझे सदा खरे चाहिए, सदा खरे, सदा खरे चाहिए मुझे। जाओ, जाओ। चल रहा है, चल 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 सीधे, चल रहा हूँ। अरे खजूर, अरे क्या कर रहा है? चल सीधे, अरे चल रहा हूँ। चल बोला, चल, चल खजूर, अरे क्या? चल, ले उसको खजूर के लिए, चल खजूर, चल सीधे, चल। हेलो भाई, सदा खरे के दो प्यादे ले आए। चले, चल आगे। कहाँ है सदा खरे? किधर है सदा खरे? अरे सदा खरे के कुत्तों, कहाँ है सदा खरे? है नहीं मालूम, है इनको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। चले, चल उठा, ठिकाने लगा दोनों को।
ये आग कैसे लगी? धर्म के नाम पर फसाद करा दिया है। हम लोग सिकंदर सुपारी का पीछा कर ही रहे थे, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो भी गायब हो गया। दो दिन पहले यूसुफ के घर पे मैं खाना खा के गया था। इस मोहल्ले में तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहते थे। अरे ये तो गुंडे लोगों का आतंक है। सदा करे जैसे नेता ने जमीन खाली करने के चक्कर में इस एरिया के शान लोगों को सुपारी दी होगी। ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। पैसा लिया, गरीब लोगों का घर जला दिया, मरने वाले मरते हैं, इन लोगों की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। अरे असली मुजरिम तो वो नेता है जो कुर्सी के लिए आग तो क्या कुछ भी करते हैं। सदा खरे ही है। सिकंदर को ढूंढना पड़ेगा। कोलेकर, आग लगाने वाले दिखे तो सवाल जवाब मत करना। राइट सर। गोली मार देना। ओके सर। सब ठीक है? जी सर। चौकने रहना। अभी ये लोग जाके अफवाह फैलाएंगे, बोलेंगे यहाँ के 15 मरे, वहाँ के 30 मर गए। साला मोहल्ले का मारा नहीं एक आदमी, ये लोग अफवाह फैलाते और लोग घबराते हैं। सदा खरे साहब, वो चालू पांडे। हाँ मालूम है, चालू पांडे पकड़ा गया। अब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस के पास मेरे खिलाफ गवाही देगा। साला ये सेक्शन भी आजकल गरम चल रहा है, और वो मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठने वाले ठंडे हो गए। अब मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। गाड़ी तैयार है, चलो। सिकंदर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं। हम दोनों के रास्ते एक थे, है और रहेंगे। मैंने कुर्सी के लिए हसमुख देसाई को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया, और पुलिस को टिप देकर उन लड़कों को भी मैंने ही उड़वाया, क्योंकि वो मुझसे बहुत पैसे मांग रहे थे। करू पांडे का खात्मा भी मैंने ही किया। तुमने भी कई लोगों को कभी स्वर्ग या कभी नरक पहुंचा दिया, लेकिन हम दोनों की दुश्मनी कभी नहीं, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई बनकर धंधे में एक दूसरे के पार्टनर बन जाए। क्या ख्याल है? अरे भगवान भी नहीं चाहता कि मैं ऊपर जाकर उसका पार्टनर बनूं।
हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। सदा करे हम दोनों एक दूसरे के आखिरी पार्टनर। आज के बाद ना तेरा कोई और पार्टनर ना मेरा कोई और पार्टनर। नहीं नहीं साले दोनों गद्दार गेले। देख सिकंदर, मैंने कुर्सी के लिए हसमुख देसाई को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया। करु पांडे का खात्मा भी मैंने ही किया, लेकिन हम दोनों की दुश्मन बम ब्लास्ट केसेस होगा। Well done, boy. Keep it up. लग गया चालो पांडे को टाड़ा। बन गया साला रोटी से पराठा। बहुत साला भाईगिरी करता था ना, गया सीधा 14 साल के लिए अंदर। सरकारी इन्फॉर्मर बन गया है। कल से जितने भी इलीगल होटल हैं और कंस्ट्रक्शन, उसकी तोड़फोड़ शुरू। अपना काम खत्म और म्युनिसिपैलिटी का सर। ऑल द बेस्ट बॉय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नीचे उतारो भाई, इसका न्यू ईयर गिफ्ट आ गया। जा जा जा, निकल निकल निकल। आई लव यू जय, आई लव यू। जीते रहो बेटे, जीते रहो, मुबारक हो। अरे वाह वाह वाह, क्या मिलन है। अरे भाई लोग, गिफ्ट के साथ में पैकिंग भी आ गया। वन फोटोग्राफ प्लीज। एक्चुअली मी सर, वन फोटोग्राफ और प्रेस। आ गया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ गया। वन मोर सेकंड। ओके।